कितना भोंक रहे हैं देखे चुप करे यार, चुप कर वो देखो कि आ रहा है। हेलो जी, तो यार कैसे हो आप लोग सब। वी आर बैक टू माय न्यू एंड अदर व्लॉग। तो यार उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो गए भाई। अभी सीन क्या है, सुबह सुबह का टाइम है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो भाई रात इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, बस छोड़ दे बस, बहुत तेज़ और बहुत बारिश हुई है रात भाई, बहुत बारिश हुई है। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा ले, अभी ये सूखा नहीं था तो दोबारा ही भर गया दोबारा। तो अभी ये देखे रास्ता वगैरह, अभी सूखा ही नहीं था भाई, दोबारा ख़राब हो गया। चेक करें ऊपर बादल देखे, अभी देखे सुबह सुबह का टाइम है, इतने बादल हुए पड़े हैं भाई, बारिश का फिर बताया हुआ है। मैं जल्दी जल्दी भैंसों का चारा वगैरह लेने जा रहा हूँ, इससे पहले मैंने कहा बारिश वारिश आ जाए तो सबसे पहले जाके ना भैंसों का चारा वगैरह ले आऊँ, फिर अगर बारिश आ गई तो भैंसों का चारा वगैरह नहीं ले गया ना, तो इसलिए मैं सुबह सुबह जाके ना भैंसों को पहले चारा ले आओ, तो फिर बाकी काम करता हूँ। फिर आगे ना मैंने मुर्गियों को भी देखना है, अभी मुर्गियों वगैरह को पानी वगैरह नहीं डाला, अभी मैंने खुद नाश्ता टाइम से कर लिया भाई। घर वाले कहते भाई टाइम से नाश्ता करो, क्योंकि उन्हें और बहुत सारे काम थे, तो वो कहते आप भैया टाइम से नाश्ता करो क्योंकि बारिश वारिश का बताया हुआ है, बारिश होने वाला हो जाएगी तकरीबन उन्होंने 10 बजे का बारिश का बताया भाई, इससे पहले जल्दी जल्दी मैं अपना काम सारा कंप्लीट कर लूँ। तो बारिश आ गई तो भाई कुछ भी नहीं होना है, तो जल्दी जल्दी मैं सारा अपना काम करके ना फिर आपको मिलता हूँ। तो अभी हमने जाना है, अभी जाके ना अभी इधर से आज काटना नहीं है क्योंकि इधर पड़ी है बारिश, तो इधर से मैंने आज काटनी नहीं है क्योंकि इसकी जो जड़ें वगैरह ना ये थोड़ी सी मजबूत नहीं है, ये बाहर ही आ जाती है, काट ही नहीं होता बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे आज, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चड़ी काटनी है, चड़ी काट के सिर्फ वही घर ले जानी है। और आप खुद देख सकते हैं रास्ता कितना ख़राब हुआ पड़ा है भाई, रास्ता कितना ख़राब हुआ है, इतनी ज़्यादा रात बारिश हुई है भाई, रात तकरीबन 11 बजे से स्टार्ट हुई है ना सुबह। ये देखे रास्ते में यार देखे रास्ते में कंडे पड़े हैं, उठा के उधर फेंक देता हूँ। तो भाई ये भी नेकी का काम है, रास्ते को साफ़ करना ना, मतलब रास्ते को साफ़ कर देना ये बहुत नेकी का काम है। आपको क्या बता के मतलब ना, मतलब कोई रास्ते में जाते हुए ईंट वगैरह पड़ी हो ना, बाइक पे जा रहे हैं भाई, उसको उतर के ना पीछे कर देना चाहिए भला। क्यों? क्योंकि यार उसका सीन कुछ ऐसा होता है कि मैं अल्लाह ताला देख रहे होते हैं, हम अगर नहीं करते वही 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 मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि वही हमारे ही नुकसान करती है। मैं अक्सर एक दिन ना, मैं आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी, मेरा क्या सीन हुआ है कि मैं भाई गया हुआ था, जा रहा था कहीं, ईंट ना शाम टाइम था, मैं उधर शहर को जा रहा था, तो जाते हुए ईंट पड़ी हुई थी, मैंने कहा यार मैंने क्या पीछे करनी है, मैंने पीछे नहीं गई, साथ से गुजर के ले गया आगे, मैं उसके ऊपर आके गिनने भी लगा था लेकिन मैं साथ से गुजर के मैंने पीछे नहीं गई। वापसी पे अंधेरा था, लाइट फिर भी चल रही थी, मुझे पता ही नहीं चला भाई, उसमें जब मेरे ना आया ना ईंट के ऊपर टायर ढल भाई, आपका भाई गिरा, आपका भाई फिर गिरा उस पर। फिर मैंने उस दिन से नसीहत कर ली, अल्लाह ताला देख रहे होते हैं भाई, हर वक्त साफ़ करना चाहिए, जो रास्ते में यार चीज़ें पड़ी होती है, मतलब कंडे वगैरह पड़े हैं, मतलब उतर के साफ़ कर दे वो अच्छी बात है। अभी आपका भाई फाइनली फाइनली आप लोग देख सकते हैं पीछे इधर आ चुका है, देख ले तो बिल्कुल अभी रास्ता वगैरह इतना ख़राब हुआ पड़ा है भाई, चेक करें इतना ख़राब हुआ पड़ा है। इधर चढ़ी में आ गया हूँ अभी अभी, एक एक मैंने जल्दी जल्दी ना सिर्फ चरी ही काटनी है और आज घास वगैरह नहीं काटना, तो जल्दी जल्दी चरी ही काट के मैं घर जाता हूँ। घर जाके गन्ने को भाई, गन्ने का सीन क्या हुआ, रात हमने फुल पानी से भर दिया था, फुल पानी से बिल्कुल फुल, तो भाई रात और बारिश हो गई है और फुल फुल हो गया भाई। अब गन्ने की हालत माशाल्लाह ज़बरदस्त है क्योंकि गन्ने को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है भाई, गन्ने की पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए माशाल्लाह अब गन्ने को पानी हमने भी लगा दिया था, ऊपर से अल्लाह ताला ने भी लगा दिया, माशाल्लाह ज़बरदस्त हुए पड़ा गन्ना, तो इसको हमने खाद भी डाल दी, अब माशाल्लाह इंशाल्लाह देखे आप लोग दिनों में अब बड़ा होगा, तो माशाल्लाह गन्ना अब ज़बरदस्त है। तो जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, चरी वगैरह को काटते हैं, ऊपर से बारिश स्टार्ट होने वाली है भाई, बारिश का बताया हुआ है, जल्दी जल्दी क्या करता हूँ मैं अब ना चारा काटता हूँ। फाइनली फाइनली मैं चारा वगैरह ले आया हूँ भैंसों का, तो यार मेरे साथ सीन कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने ना अभी मेरे नेट नहीं चल रहा था, मैं उधर जाके ना डाटा ऑन किया है, तो मैंने ना व्लॉग पब्लिश करना था, पब्लिक करना था, तो मैं प्राइवेट पे मैंने रात अपलोड कर दिया था, तो शुक्र है मैंने प्राइवेट में किया भाई। सीन मेरे साथ क्या हुआ है
ये उन्होंने कॉपीराइट का ऑप्शन दे दिया यार, मुझे समझ नहीं लगी। खुद मैंने अपने हाथों से सारा व्लॉग बनाया, मतलब कुछ भी नहीं कॉपी उसमें किया, कुछ चीज़ नेट से नहीं ली उसमें से, खुद अपना ही बनाया सारा अपने ही कैमरे से। पता नहीं क्यों कॉपीराइट दिया, मैं कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं लगाई भाई, मर्जी है यूट्यूब वालों की। बड़ी मेहनत से वो व्लॉग बनाया था मैंने, ट्रैक्टर का फुल व्यू दिखाया था उसमें, तो मुकम्मल ट्रैक्टर के व्यू की वीडियो बनाई थी, तो उसका कॉपीराइट ऑप्शन दे दिया, तो भाई मैंने वो अब डिलीट कर दिया। इंशाल्लाह अब मैं थोड़ी देर तक व्लॉग अपलोड करूँगा, तो मतलब यही ये तो कल होगा ना, तो जो आज करूँगा इंशाल्लाह मैं कर दूँगा थोड़ी देर तक। तो भाई सीन मेरे साथ ये हुआ, बड़ा गंदा सीन हुआ कि कॉपीराइट का ऑप्शन आ गया। शुक्र है मैंने प्राइवेट किया हुआ था, वरना तो चैनल ठक ठक हो जाना था। तो जल्दी जल्दी मैं क्या करता हूँ, अब चारा वगैरह ले आऊँ, तो अब जल्दी जल्दी व्लॉग को एडिट कर लूँ, नेक्स्ट व्लॉग को एडिट करके अपलोड कर दूँ, बहुत देर होगी आ गई, तो फिर मैं बाकी कोई काम करता हूँ। भाई फाइनली फाइनली आपका भाई आ चुका है घर, तो अभी मैं मुर्गियों को देखने लगा हूँ, मुर्गियों वगैरह ने अंडे वगैरह दिए या नहीं। तो भाई मुर्गियों को पानी छानी आपके भैया ने डाल दिया, तो मैं आज दिखाता हूँ आपको पानी छानी डाल के। तो वो उधर पहले उधर सुबह थी ना, आज इधर कर दिया, क्योंकि उस खुदे में ना ऊपर से पानी चला गया, तो क्योंकि कल आई थी बारिश रात, आपको पता है बहुत ज़्यादा बारिश आई थी भाई, बहुत ज़्यादा, आप लोग देख सकते हैं ये मिट्टी वगैरह भी उतर गई है, बहुत बारिश आई थी रात को, तो उस खुदे में ना पानी थोड़ा सा चला गया, तो इस खुदे में हमने बंद कर दिया। तो अभी पानी छानी डाल के इन्हें अंदर भी कर दिया, बादल फिर हो गया, आप देख सकते हैं बादल वगैरह दोबारा हो गया भाई, अभी मौसम दोबारा ख़राब हो गया, मतलब बारिश का बताया हुआ है उन्होंने, बारिश होनी है तकरीबन 12 बजे का बताया, 12 बजे हो जाएगी भाई। अंडा दिया हुआ है ये देखें, अंडा दिया हुआ है। हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, अंडा उठाते हैं, अंडा उठा के तो फिर चलता हूँ मैं, जल्दी जल्दी अंडा रखता हूँ फ्रीज़र में, तो फिर हम चलते हैं आज फालसो पे यार। फालसो माशाल्लाह काफ़ी दिन हो गया मैं उधर गया नहीं हूँ, तो पानी शानी भाई उनको लगा दिया था हमने, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हुए और मोटे मोटे और बिल्कुल पक गए हो गए भाई, मुकम्मल हो गए। तो अभी मैं जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ फालसो आज। पहले तो हम क्या करते हैं, अंडा उठा ले इधर से, भाई इधर आज इधर गिरा नहीं पानी, अच्छा पानी नहीं गिरा था, मैंने समझा पानी गिर गया, मुझे किसी ने बताया पानी गिर गया, नहीं पानी नहीं गिरा, वो तो वैसे ही मुझे लगता है उधर कर दी है, क्योंकि मैं आज घर नहीं था, मैं तो तूड़ी लेने और चारा वगैरह लेने गया था, तो मम्मा ने कर दिया था उधर ही, तो क्योंकि यार वो भी वो खुड्डा भी फ्री होता है, मतलब हाफ मतलब आधा दिन उधर आधा दिन इधर। तो ये देखे फाइनली अंडा हमने उठा लिया, तो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, अंडा मैं क्या करता हूँ, आज जो सुबह मुर्गी अंडा देती है ना, मैंने आपको बताया था, वो आज उसने दे दिया है, वो छोड़ दिया था, मैंने कहा शायद ना दे, लेकिन अंडा उसने आज दे दिया, तो जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, अंडा रखते हैं फ्रीज़र में रख के, तो चलते हूँ फालसो पे। तो भाई आज फालसो मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े ज़बरदस्त हुए बड़े, तो जल्दी 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 भाई निकलता हूँ इधर से, मुश्किल है थोड़ा सा, ओहो निकलता हूँ भाई। अबे फाइनली यार अंडा भी उठा लिया मैंने, तो इसको करता हूँ बंद करके जल्दी जल्दी, मैं क्या करता हूँ अंडा रखता हूँ फ्रीज़र में रख के मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। फाइनली हमने मुर्गी वगैरह को दाना वगैरह डाल के पानी शानी डाल के, तो उन्हें भी अंदर कर दिया था खुडे में, तो अब क्या उन्होंने अंडा दे दिया, अंडा भी हमने उठा के रख दिया है, तो इधर आप लोग देख सकते हैं चारा वगैरह भी मैं ले आऊँ, आज ये चारा मैंने आपको कहा था नहीं ले गया ना, लेकिन अबू जब उठे अबू ने कहा नहीं भाई चारा थोड़ा है तो ले गया ना, मैंने इधर से भी आपको दिखा दूँ कहाँ से काटा है, तो वो मैं उधर से ले आया था, तो ये आगे मैंने अभी काटा है, तो अभी मैं गया हुआ था तूड़ी लेने भैंसों की, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो भी मैं ले के आया हूँ अभी, तो आप लोग देख सकते हैं ये देखे पीछे मैंने तूड़ी वगैरह भी मैं मुकम्मल ले आया हूँ, तो तूड़ी वगैरह की अभी मैंने एक गठली ले गया हूँ तूड़ी की, वो उधर मैंने ढेरी कर दी है, तो अब क्या करते हैं वो देखे खुली वगैरह भी खाली है, तो जानवर वगैरह मैंने उधर छाँव में बांध दिया है, तो जल्दी जल्दी पानी छानी पिला कर तो उधर छाँव में बांध दिया, तो फाइनली मेरा काम सब हो चुका है, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो अब मैंने सिर्फ व्लॉग्स व्लॉग एडिट करना है मेरे साथ, आपको मैंने बताया रात मैंने प्राइवेट व्लॉग अपलोड किया ना, तो सुबह सुबह मैंने कहा पब्लिक कर दूंगा, जब मैं पब्लिक करने लगा तो यार कॉपीराइट का ऑप्शन आया था, मैंने कहा यार पता नहीं क्या सीन है, लेकिन मैंने अपने कैमरे से ही बनाया था, कुछ उसमें यार एडिटिंग वगैरह शायद हो, मेरी गलती हो कि मतलब उसमें मैंने की हुई है, लेकिन यूट्यूब वालों ने कॉपीराइट का ऑप्शन दे दिया था, अभी प्राइवेट ही था मैंने डिलीट कर दिया, तो अभी मैंने व्लॉग मैं दोबारा मैंने एडिट किया, मेरे पास एक यार एक्स्ट्रा व्लॉग पड़ा हुआ था कल का बना हुआ, तो जिसमें मैं पानी वगैरह लगा रहा था, इंशाल्लाह मैं अभी अपलोड कर दूंगा ये व्लॉग, तो मैं कल नेक्स्ट डे अपलोड करूंगा ना, तो अभी देख ले आप लोग ये देखे चरी वगैरह इधर से मैंने काटी आज, तो इधर से वो देखा आपको दिखाई दे रहा होगा चरी वगैरह, इतनी जगह मैंने आज काट लिया चरी के, तो क्योंकि ये मैं अबू ने कहा था आज काट लो यार इधर से काट लो, क्योंकि भैंसों को भूखा थोड़ी रखना था भाई, कुछ तो डालना था ना,
तो हमारी भैंसें वगैरह माशाल्लाह सेहतमंद हो जाए, तो अब उनका इधर से काट लो। मैंने कहा ठीक है काट ले, इसमें क्या इशू है। तो मैंने इधर से काट के अंदर फेंक दी चढ़ी। अब शाम को भैया मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छे फूल वगैरह तैयार हो गए, तो वो अभी अभी खिले हुए माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो मैं आपको अभी अभी दिखाता हूँ, चलता हूँ उधर। माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहे हैं भाई, ज़बरदस्त। टैबू वालों ने भी अपनी भैंसों और गाँव वगैरह को पानी शानी ला कर इधर बांध दिया आराम से, वो भी चुप करके बैठी हुई है, और उधर डोगी भी बैठा हुआ है इनके रखवाली के लिए, क्योंकि यार डोगी इसलिए इन्होंने रखा है। और यार इधर बताऊँ सीन क्या है, ये जो हमारी सड़क है ना, इसके साथ इनके जानवर वगैरह बांधे होते हैं। इनका जो घर है ना टैबू वालों का, वो ये है, वो ये है। फाइनली मैं आज इनके हाथे में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ इनके डोगी वगैरह भी, जो छोटे छोटे डोगी है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ इनके हाथे में, आप लोग देख सकते हैं। तो इन्होंने भी चारा वगैरह ला कर रखा हुआ है इधर, जो थोड़ा सा कुतरा हुआ इनका जो पड़ा हुआ है सारे भोग लग गया इनके। मुर्गे वगैरह भी जब मैं आया हूँ तो मुर्गी माशाल्लाह मुर्गी देखे यार, इतनी जबरदस्त है, सारी भोगने लग गई है मुझे देखकर। तो माशाल्लाह इनकी मुर्गी तो हमारी मुर्गियों से कहीं ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह हम भी ऐसे ऐसे ज़्यादा करेंगे, हमने टेंशन नहीं लेनी, चूज़े वगैरह हम ले आएंगे। बारिश भी रुक रही ना, इस वजह से हम कुछ भी नहीं ले गए आ रहे, बारिश का सिलसिला है इसलिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनके चूज़े वगैरह, इनके मुर्गे वगैरह, इनके आप लोग देख सकते हैं। ये देखो मुर्गी वगैरह काफ़ी अच्छी है, मैं आपको दरवाज़ा ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखे इन्होंने बड़े कस्बे में पानी रखा हुआ है, और ये देखे कितनी ज़्यादा मुर्गी है इनकी, चेक करें। तो इंशाल्लाह हमारी भी एक दिन इतनी मुर्गी होगी। तो ये है इनकी बकरियाँ वगैरह बांधी हुई सारी, चुप करके बैठी हुई है। इन्होंने सुबह सुबह लगता है जंतर वगैरह डाल दिया था एक बार, तो अब देखिए चुप करके खा के वो सारी बैठी हुई है। तो सबसे बड़ा इंतज़ार आज मैं आपको दिखाता हूँ हमारे डॉगी, डॉगी भाई मैं आपको दिखाता हूँ अभी भोंकड़े हैं वो भी पाँ पाँ पाँ। मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इधर डॉगी बांधे हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ देखिए कितना भोंक रहे हैं देखे करे यार, चुप कर तो देखो कि आ रहा है। तो यार इन्हें मैं ओपन करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अब मैं चलता हूँ बाहर, तो आपको फासे वगैरह भी दिखाता हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि यार ओपन करूँगा तो मुझे ही पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको भाई ओपन तो नहीं कर सकता। तो अभी मैं आ गया हूँ बाहर, आप लोग देख सकते हैं। तो वो डॉगी भी उठ गया, उधर देखो उधर देखो उधर देखो भाई, वो डॉगी भी उठ गया, चेक करें वो डॉगी को, पता चल गया यार छोटे डॉगी भोंक रहे हैं, मैं क्यों भोंकूंगा। अब ये मुझे भाई ये छूट गया ना, मुझे तो कमाम तमाम कर देना इन्हें मेरा, मुझे बहुत पड़ता है भाई। फाइनली आपको मैं दिखाता हूँ, मुझे बहुत पड़ता है भाई, देखे कितना भूखी जा रहा है। तो फाइनली यार मैं आया हूँ इधर, देखे तायाबू के पौधे, तायाबू वालों के पौधे चेक करें इधर, तायाबू वालों ने अभी न्यू लगाए हैं इधर। जो जो दोपहर जो बूटी है ना, बूटी जिसे बोलते हैं, मतलब फूल वगैरह लगती है दोपहर टाइम, दोपहर बूटी उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोपहर टाइम जब सूरज पड़ता है ना, तो उस टाइम सूरज की वजह से फूल खिलते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फूल है, चेक करें ये देखे भाई, ज़बरदस्त फूल है माशाल्लाह, कितनी खूबसूरती है चेक करें इधर। तो माशाल्लाह हरियाली ही हरियाली है हर तरफ। तो इधर टैबू वालों ने बेल भी लगाई है उसकी, कद्दू की माशाल्लाह, तो कद्दू शरीफ कहना चाहिए क्योंकि इसका कुछ वाक्य हुआ था अपनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ना, इन्होंने छांव की थी जब कफारों ने ना जुल्म किया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे कद्दू होते हैं कद्दू शरीफ, तो खाने चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग पीछे फूल वगैरह भी तायबू ने लगाए हुए हैं, कितने ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह हम भी अपने घर लगाएंगे, और कुछ पौधे वगैरह छाँव के लिए तायबू ने वो लगाए हैं, क्योंकि इधर जानवर वगैरह होते हैं ना, गर्मियों में छाँव होगी तो इधर आराम से जानवर वगैरह बैठ सकेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी आप लोग देख सकते हैं अभी मैं इनके पौधे वगैरह में भी जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो इधर तायबू वालों के अनार लगे हैं, चेक करें आप लोग, तो कितने मज़ा ज़बरदस्त अनार लगे, ये देखे कितने अच्छे अनार और मोटे मोटे अनार लगे भाई। आपको मैं दिखाता हूँ यार, हमारे सीन कुछ ऐसा होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखे भैया, ये देखे ये क्या हुआ, अब चेक करें, ये मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये भाई हमारी इधर गरहरी होती है ना, छोड़ती नहीं है, गर्मियों में हमारे अनार कभी बचते नहीं है, बस सारे खा लिए, एक नहीं भाई सारे खा लिए। अबे तू तो चुप कर। तो भाई सारे ही खा लिए, सारे एक भी नहीं छोड़ा। ये देखे बिल्कुल, ये देखे ऐसे खा लेती है, ये पकने देती नहीं है, ऐसे बिल्कुल खा लेती है। तो लेकिन क्या करें, अब बचते नहीं है, हर बार ऐसे होता है, बचते बिल्कुल नहीं है। इस
इस जो इतना बड़ा नाल लगा हुआ है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब से स्टार्ट हुए लगना तो गिलहरी छोड़ती नहीं है, खा लेती है। लेकिन क्या करें, इसके साथ ही किन्नू वगैरह माशाल्लाह लगे हुए हैं, हमारे अमरूद वगैरह भी लगे हुए हैं इस टाइम, माशाल्लाह काफ़ी पौधे और काफ़ी फल लगे हुए हैं उसके ऊपर। तो अभी मैं चाहता हूँ नीचे, ये ले भाई अभी आ गया हूँ फाइनली मैं नीचे, ये ले इधर हमारी चढ़ी वगैरह। तो इधर टैब वालों के पौधे वगैरह चेक कर सकते हैं आप लोग, कितने ज़बरदस्त पौधे हैं। और ये देखें मैं तैब वालों के हमारे ही है यार, क्या कह रहा हूँ। ये देखे किन्नू वगैरह लगे हुए माशाल्लाह इस टाइम ज़बरदस्त यार पौधे हुए पर है, काफ़ी अच्छा सीन हुआ पर है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अमरूद वगैरह भी भरे पड़े हैं भाई, भरे पड़े हैं। तो इसी तरह देखे और इधर माशाल्लाह ये लगा हुआ है, ये मैंने अपने हाथों से लगाया था, ये देखे कितना छोटा था तब, तो माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। ये देखे भाई कितने बड़े बड़े पौधे हो गए, चेक करें कितने बड़े बड़े, माशाल्लाह मुझसे भी बड़े बड़े और मोटे हो गए, चेक करवा। तो मैं आपको आगे चलता हूँ। इसी तरह फालसे है माशाल्लाह, फालसे के पौधे तैबू वालों के, फालसे हर चीज़ बहुत ज़्यादा मकदार में लगी हुई है फालसे। ये देखिए ये लगा उधर लगे हुए माशाल्लाह, फालसे वगैरह भी ज़बरदस्त है। और बादल शादल भी इस टाइम भाई हो रहे हैं, बादल भी हो रहे हैं। जल्दी जल्दी हम व्लॉग कंप्लीट करें, अभी एडिट भी करना है। हमारे कल का नेट बंद है, वाईफाई बंद है भाई। बाप को पता है गाँव में रहते हैं, पहली बात है लाइट ही नहीं है कहाँ से, UPS जो था वो ख़त्म हो गया। प्लेटें आपको पता है जब तब चलनी है जब सूरज सामने आएगा, सूरज तो है ही नहीं, प्लेटें कैसे चलेगी। तो बैटरी वगैरह सारी जो चार्ज वगैरह ख़त्म थी, तो नेट वगैरह इसलिए बंद है अभी फ़िलहाल। तो ये आप लोग देख सकते हैं अमरूद वगैरह भी भरे पड़े हैं माशाल्लाह। तो इधर कद्दू की बेलें वगैरह भी हमने लगाई हुई है। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से फुल मतलब शेयर करवाता हूँ इसकी, अच्छा लगेगा उम्मीद करता हूँ आपको। तो अभी मैं अभी जा रहा हूँ मैं अपने फालसों की तरफ, माशाल्लाह हमारे फालसे भी भरे पड़े हैं, चेक करें भाई 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 लगे पड़े हैं। ये देखे भाई जबरदस्त, चेक करें जी जबरदस्त लगे हुए हैं काफी। अभी इतने अच्छी तरह पक्के नहीं है, कच्चे ही है अभी थोड़े थोड़े, लेकिन क्या कहते हैं हम खाना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली यार मैंने अपने पौधे वगैरह भी दिखा दिया आज आपको, तो तैबू वालों के भी सारे पौधे दिखा दिए। वो हमारी सबसे बड़ी खज्जी है, तो यार गर्मियों में आपको दिखाऊंगा, बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है उधर गर्मियों में, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। खज्जी भाई पक जाती है और छोटी छोटी होती है, बड़ी मज़ेदार होती है, हम सारे कज़िन मिलकर तोड़ते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है, बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है। आपको इंशाल्लाह गर्मियों में ज़रूर आएगा, आप मेरे साथ रहे इंशाल्लाह, गर्मियों में भी जब सख्त गर्मी आएगी जब पक जाएगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो यार अगर आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए यार, सब्सक्राइब प्लीज़ जाके कीजिए, 1K मेरे करवा दे यार, आपका शुक्रिया होगा। आपने आगे मुझे बहुत सपोर्ट किया, अल्लाह का शुक्र है यार, बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत सपोर्ट किया। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने पीछे चढ़ी के पास अब खड़ा हूँ, पीछे चढ़ी भी ज़बरदस्त है। जल्दी जल्दी जाके यार इस व्यू को देख के जल्दी सब्सक्राइब कर दे चैनल को, तो सब्सक्राइब लाइक शाइक फाइक साइक मुझे इतना बोलना नहीं आता, सब कुछ कर दे भाई सब कुछ, वीडियो को आसमानों पे पहुँचा दे यार जल्दी 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 जल्दी। और आपका बड़ा शुक्रिया यार, शुक्रिया शुक्रिया करम है आपका भाई, आपने बहुत मेरे मदद की है, मेरी बहुत करम है भाई, अल्लाह ताला का करम है और आप लोगों की मतलब आप लोगों की सपोर्ट है और मेरी मेहनत है, इंशाल्लाह एक ना एक दिन कामयाब जरूर होगा आप लोगों की दुआ और करम अल्लाह के करम से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर कर दे आज आगे और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। बाय 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 बाय, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें, मेरी तो खैर है, अपना ज़्यादा ख्याल रखा करें। बाय 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 बाय, ओके शुक्रिया बाय।